उत्तराखंड एनसीसी गर्ल्स बटालियन की प्रशासनिक अधिकारी मेजर शशि मेहता ने प्रतिदिन लगभग 80 किलोमीटर दौड़ते हुए 400 से अधिक किलोमीटर की नारी शक्ति वंदन दौड़ छह दिनों में पूरी की आप देख रहे हैं सही में यह सफर अभेद्य है जब कोई युग पुरुष नारी के अबला पर्याय को मिटाकर सबल बनाने पर आमादा हो एडी चोटी का दम लगा दे सूर्य से भी तेज यशस्वी व्यक्तित्व के सामने धरती भी अपनी धुरी पर एक और झुकने के लिए तैयार हो जाता है अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेजर शशि मेहता को फ्लैग इन कर उनका उत्साह वर्धन करने की कृपा करें जैसे ही रानी झांसी की प्रतीकात्मक तलवार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सौंपी जाएगी परेड ग्राउंड पर मंच के सामने बाई तरफ रानी झांसी की प्रतिमा और खास तौर पर रोचक ढंग से प्रकाश में रानी की तलवार को आप देख सकते हैं देवी और सज्जनों जोरदार तालियों से अभिनंदन यह प्रतीकात्मक तलवार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जो सौंपी गई है वह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए एनसीसी हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री रैली में नारी शक्ति वंदन दौड़ का भी समापन हुआ सत्रह जनवरी से झांसी से शुरू हुई दौड़ दिल्ली में पीएम रैली में संपन्न हुई अपनी दौड़ के समापन पर मेजर शशि मेहता ने पीएम नरेंद्र मोदी को तलवार भेंट की करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ने वाली मेजर शशि मेहता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने शाना ने एनसीसी के अमृतकाल में मेजर शशि मेहता लगातार दौड़ रही हैं और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है प्रधानमंत्री रैली में आकर उन्होंने एक तलवार प्रधानमंत्री को भेंट की बात करते हैं मैडम किस तरह रहा आपका ये सफर जो मैंने दौड़ की इसका नाम है नारी शक्ति वंदन रन जिसे एनसीसी ने आयोजित किया ये दौड़ शुरू हुई झांसी से 17 जनवरी को और ये पूरी हुई दिल्ली में कुल मिलाकर मैंने इसमें 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी दौड़ी है और लगभग 80 किलोमीटर प्रतिदिन मैंने इसमें रन किया है बट कैसे दौड़ पाए क्योंकि एक महिलाएँ हैं बावजूद उसके आप रोजाना से ज़्यादा किलोमीटर दौड़ते रहे मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर भी हूँ और तीन बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में हालांकि मैं पेशे से एन ऑफिसर हूँ पर दौड़ना मेरा जुनून है और मैं अल्ट्रा मैराथंस दौड़ती ही रहती हूँ लेकिन हाँ ये थोड़ा कठिन दौड़ थी क्योंकि रोज़ाना इतनी लंबी दौड़ करना आसान नहीं है लेकिन इसका मकसद बहुत अच्छा है नारी शक्ति उसी को याद करके मुझे अंदर से बल मिलता रहा और मैं हिम्मत से दौड़ती रही प्रधानमंत्री को जब आपने तलवार सौंपी तो उस समय कैसी फीलिंग आ रही थी वो भावनाएँ मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती उनके लिए बहुत सम्मान है और प्रधानमंत्री जी जिन्हें हम हमेशा टीवी पर देखते हैं उनके समक्ष इतने पास खड़े रहना और उनको तलवार भेंट करना जो नारी शक्ति का प्रतीक है फीलिंग्स वर वेरी इमोशनल एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट वेरी प्रिवलेज कौन कौन से राज्य से होकर आप गुजरे और जब वहाँ पर एन सी सी आपका स्वागत कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है मैं पाँच अलग अलग राज्य से गुजरी यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा दिल्ली इन तमाम जगहों से मैं गुजरी और एन सी सी कैडेट्स मेरे साथ दौड़ रहे थे और कई जगह तो वो कई किलोमीटर तक मेरे साथ बने हुए थे रिले रेस की तरह लड़कियाँ मेरे साथ आती थी एक किलोमीटर बाद वो बदल कर दूसरी आ जाती थी पर कोई ना कोई मेरे साथ हमेशा रहता था यही नहीं आम जनता भी मेरे साथ दौड़ रही थी लोग हमें देख रहे थे चीयर कर रहे थे और उन्हें लग रहा था शायद ये बहुत अच्छी मिशन में कहीं जा रही है तो मेरे साथ वो कई कई किलोमीटर तक लड़की भी लड़कियाँ भी दौड़ते रहे तो बहुत अच्छा अनुभव था तो ये थी मेजर शशि मेहता जो लगातार करीब 400 से ज़्यादा किलोमीटर तक दौड़ी और एनसीसी के अमृत काल के अंदर इन्होंने जो मिसाल पेश की है और नारी शक्ति की वो अद्भुत मिसाल है कैमरामैन मोंटी के साथ गिरीश निशाना डीडी न्यूज दिल्ली